हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो लेकर आ गए हैं हम फिर से क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल का सेशन। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ही आपको पर डे वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है? तो न्यूमेरिकल का ये पहला वीडियो है केमिस्ट्री का। इससे पहले हमने फिजिक्स का करा दिया है आपको, दो वीडियो हमने फिजिक्स का आपको बताया था जिसमें हमने न्यूमेरिकल को जो VBI होते हैं वो सब हमने कराया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि जो हम केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल को कराएंगे वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो बिना मिस किए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लेके आया है कि 5.58 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है, ठीक है? तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या कहा कि इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड है जो 200 ml जल में घुला है, ठीक है? तो विलयन की मोलरता की गणना करना है। तो देखिए, हमने सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, जो मान दिया होता है उसको आपको सबसे पहले लिखना होता है। और तीसरा हमारा ये काम होता है कि किस चीज़ का ज्ञात करना है हमें मान। तो यहाँ पे कह रहा है ना, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो टारगेट क्या है कि मोलरता हमें ज्ञात करना है। समझ पा रहे हैं? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो हल करते हैं, एक एक और को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जब भी न्यूमेरिकल दे तो ऊपर आपको लिखना है दिया है, ठीक है? तो दिया है में आप नीचे ऊपर क्या लिखेंगे, जो भी मान दिया होगा उसको लिखा जाता है। जैसे इसमें कहा गया 5.58 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है, तो मतलब सोडियम क्लोराइड का ये भार दिया है, ग्राम है ना, तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड का ये भार दिया है या द्रव्यमान दिया है। मैं लिख दे रहा हूं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान, ठीक है, जिसको हम स्मॉल m से लिख दे रहे हैं। और कितना दिया है, 5.58 ग्राम दिया है, ठीक है जी? इतना समझ गए, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl का द्रव्यमान दिया है जो है 5.58 ग्राम, इतना हम समझ गए। अब थोड़ा सा ये समझिएगा कि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये जल में घुला है, तो जो जल में घुलता है वो क्या होता है, विलेय होता है, और जो जो घुलाता है वो विलायक होता है। मतलब जल घुला रहा है तो विलायक हो जाएगा, और कौन घुल रहा है, सोडियम क्लोराइड घुल रहा है, तो ये विलेय होगा। इसका मतलब ये विलेय का ही भार है, मतलब सोडियम क्लोराइड को हम विलेय कह सकते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान कहें या भार आप कह सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान, वास्तव में विलेय का द्रव्यमान जो स्मॉल एम है वही है 5.58 ग्राम। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? इतनी बात हम समझ गए। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो 200 ml जल में घुला है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, 200 ml जल में घुला है, अगर घुला है तब, अगर घुला है कहे तो इसको हम, ये जो है इसको हम विलयन मानेंगे। और घुलता, अगर कहता कि 200 ml जल में घुलता, ठीक है, या घुलेगा, ठीक है, तो उसे हम विलायक मानते, ठीक है? परंतु ये जब इसमें घुल गया है 200 ml जल में, तो इसका मतलब ये जो है ये जो किसका मान है, ये विलयन का मान है। तो ये है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। आयतन हमने कैसे कह दिया, क्योंकि ml जो 200 ml है ना, ml किसका मात्रक होता है, आयतन का ही। तो विलयन का आयतन दिया है वो कितना दिया है, 200 ml, तो 200 ml हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए, जो ml है ना, इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे लीटर में, ठीक है? तो जब हम लीटर में चेंज करते हैं तो लीटर में चेंज करने का तरीका यह है कि जितना है उसमें हम 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है? अब ये जो मान आएगा वो लीटर में आएगा, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है? उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 और नीचे है 10, 10 के कुछ पावर में एक तो कम से कम होता ही है कोई भी है, तो इसको अगर हम ऊपर लाते हैं तो यहाँ से V का जो मान आएगा 2 × 10⁻¹ अ लीटर, ठीक है जी? इतनी बात आपको समझ में, मैं आशा करता हूँ आ गया होगा, ठीक है? अब देखिए,
इतना समझ गए। उसके बाद अब हमें आ रहा है कि विलयन का मोलरता हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि मोलरता इज इक्वल टू होता है विलय के मोल या विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और वो भी किस में, लीटर में। ठीक है, इसीलिए हम ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए विलय के मोल अगर आप सपोज करें तो हमें इसका ज्ञात करना है विलय के मोल। तो क्या इसमें विलय का मोलों का मान दिया है, कहाँ दिया है, नहीं दिया है, परंतु विलयन का आयतन का मान दिया है, बिल्कुल दिया है। ये विलयन का आयतन है का ही तो मान है ना, विलयन का आयतन। तो लीटर में ml में दिया था, लीटर में हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि फॉर्मूले में लीटर होता है तो लीटर में ही मान रखना होगा। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा कि विलय के मोल हमें ज्ञात करें, क्योंकि इसका मान मिल जाएगा, इसका मान पता ही है, दोनों का मान रखेंगे ये निकल जाएगा। तो देखिए विलय के मोल हमें चाहिए, तो यही ना है, सोडियम क्लोराइड विलय है सोडियम क्लोराइड, तो इसके मोल, तो एक बात याद रखेंगे, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार या आणविक द्रव्यमान। तो विलय बराबर भार बटे, सॉरी, मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है। तो बताइए विलय जो है NaCl, इसका भार कितना है, 5.58 ग्राम। तो इसका मान रखते हैं 5.58 ग्राम। ठीक है जी, इसका अणु भार निकालना है। तो देखिए अणु भार आणविक द्रव्यमान या अणु भार कहे तो इसको निकालना हमने सिखाया है। जो NaCl है इसका अणु भार हम कैसे निकालते हैं, Na जो है ना सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। तो परमाणु भार 23 हमने लिख दिया, फिर से बीच में प्लस हम लिखेंगे। और क्लोरीन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 35.5, तो ये 35.5 हमने कर दिया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 × 3 = 5, 5 × 3 = 8, 5 point, मतलब इतना आया, 58.5 जो है वही इसका क्या हो जाएगा, अणु भार हो जाएगा। तो देखिए अणु भार हम लिख देते हैं 58.5। ठीक है जी, इतना हमने लिख दिया। अब आप समझिएगा कि मतलब ये जो निकला है, ये जो मान निकला है, ये किसका मान निकला है, ये है विलय के मोलों का मान निकला है। तो चलिए अब पूटा करते हैं और देखते हैं। तो ये लिखते हैं मोलरता, अब मोलरता इज इक्वल टू हम लिखेंगे विलय के मोल, विलय के मोलों की संख्या कितना है, 5.58 बटे 58.5। ये मेन हम बटा दे रहे हैं, ये थोड़ा सा नीचे में लिख दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आए, समझ पा रहा है, ये मेन बटा है। उसके बाद विलयन का आयतन है लीटर में, विलयन का आयतन का मान कितना है, तो ये 2 × 10⁻¹ है, 2 × 10⁻¹ है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो 2 × 10⁻¹ है, तो इसको हम चाहें तो ये 1 छोड़िए, 2 / 10 भी लिख सकते हैं ना, 2/10, तो चलिए हम 2/10 ही लिखते हैं जिससे हल करने में आसानी होगी। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हम जानते हैं ये नीचे वाला ऊपर में गुणा कराता है और फिर से ऊपर वाला नीचे में गुणा कराता है। तो चलिए हम गुणा कराते हैं, मोलरता इज इक्वल टू, अब देखिए ये अगर ऊपर में गुणा कराएगा तो 5.58 × 10 हो जाएगा, और नीचे 58.5 × 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे, ये 10 इसमें गुणा कराएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 55.8 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें अगर गुणा कराएगा तो 5 × 10, ठीक है आप ध्यान से समझेंगे, 5 × 10 हाथ में लगा 1, अब 8 × 16 17 के साथ हाथ में लगा 1, अब 5 × 10 11, ठीक है, और 1 0 है तो 1 0 यहाँ पर लगा दिए, मतलब ये कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। अगर हम इसमें गुणा कराते हैं तो 117 माने 117 हो जाएगा। तो अब देखिए इतना मान आ गया, अब हम क्या करेंगे, ये किसका मान है, मोलरता का। अब आप क्या करें, या तो आप यहीं तक इतना तक ही छोड़ दें, ठीक है जी, या तो आप यहीं तक छोड़ दें, या आप क्या करेंगे, यहीं पर आप लिख देंगे मोल प्रति लीटर,
या आपका आंसर हो जाएगा, या आप कुछ नहीं करेंगे। अगर आप आगे भी करना चाहते हैं इतना आप कर देते हैं, ऐसा नहीं है नंबर नहीं मिलेगा, फुल नंबर आपको मिलेगा। या आप चाहें तो थोड़ा सा और आगे आप कर लेंगे, इसमें ऊपर 10 के गुणा नीचे 10 का गुणा करा देंगे, और दोनों का जब गुणा कराएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1170 हो जाएगा। 1170 में 598 से भाग दे दीजिएगा, दशमलव में जितना है उतना लिख दीजिएगा। बट मैं कहूँगा इतना ही छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन, देख रहे हैं एक छोटा सा क्वेश्चन था, परंतु हल करने में कितना समय लगा, कहाँ तक पहुँचे हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा गया है, तो इतना तो ईजी नहीं होगा, 3 नंबर तो बहुत होते हैं ना। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी टाइप के और भी हम न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। अब मेरा कराने का ये मकसद है कि आप इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आ गया तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए मैं एक और टाइप के क्वेश्चन को करा रहा हूँ, उसको आप समझ जाइए, प्रैक्टिस बार बार कीजिए, ठीक है, तभी जाकर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। तो ये दूसरा टाइप नहीं है, जो हमने न्यूमेरिकल कराया उसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल है। तो ये भी न्यूमेरिकल आप सीख लीजिए, देखिए आप प्रैक्टिस कीजिए, आप स्वयं इसको देखकर हल भी कीजिए, मैं भी हल कर रहा हूँ, देखिए आपका जो आंसर आता है वो हम जो हल करते हैं उसके आंसर से मैच करता है या नहीं करता है। अब मैं दोबारा उसी टाइप के न्यूमेरिकल को इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो कम से कम आप एक टाइप के तो क्वेश्चन कम से कम क्लियर कर लीजिए कि अगर इस टाइप का अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो 100% फिक्स है कि उसको आप कर पाएंगे, ठीक है, 1% चांस नहीं देना है कि वो छूट जाए, समझ पा रहे हैं। तो इसलिए हम न्यूमेरिकल को करा रहे हैं। तो समझिए, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि 15 ग्राम, ठीक है, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। तो हमने पहला क्या बताया कि क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, जो क्वेश्चन में मान दिया है उसको लिखना है, और उसके बाद टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कि क्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अंत में क्या कहा, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, तो मोलरता हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, हल लिखकर हम क्या लिखेंगे, दिया है, और जो क्वेश्चन में दिया होता है उसी को लिखते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, मतलब 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, 15 ग्राम, ग्राम किसका मात्रक, द्रव्यमान का, तो पोटेशियम क्लोराइड का ये द्रव्यमान दिया गया है, तो हम लिखते हैं पोटेशियम क्लोराइड का द्रव्यमान, पोटेशियम क्लोराइड का द्रव्यमान दिया है, ठीक है, तो द्रव्यमान को हम स्मॉल m से लिख दे रहे हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड का द्रव्यमान दिया है कितना, 15 ग्राम, यह हमने लिख दिया। तो आप समझिए पोटेशियम क्लोराइड क्या है, देखिए ये जो है ये जल में घुल रहा है, तो ये जो पोटेशियम क्लोराइड है ये विलय होगा, तो इसी को हम पोटेशियम क्लोराइड को हम लिख सकते हैं विलय। अब विलय कौन है, पोटेशियम क्लोराइड, के Cl हम लिख दे रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड, तो विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m इक्वल टू 15 ग्राम। तो इतनी बात आप समझ गए। तो अब आते हैं दूसरा, आप इतना सबसे पहली बार समझ गए, उसके बाद कह रहा है कि इतना जो पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, तो जब घोल दिया गया है तो इसका मतलब ये 1 लीटर, लीटर किसका मात्रक, आयतन का मात्रक होता है, तो इसका मतलब ये आयतन का मान दिया है 1 लीटर, तो ये किसका हो जाएगा, विलयन का आयतन हो जाएगा, क्योंकि ये पोटेशियम क्लोराइड इसमें घोला गया है मतलब घुल गया है, इसलिए इसको विलयन मानेंगे हम। तो हम लिखते हैं विलयन, विलयन का आयतन, आयतन जो है V इक्वल टू, हम कितना लिख लेंगे, विलयन का आयतन 1 लीटर दिया है, तो 1 लीटर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हमने इतना सब कर दिया, उसके बाद अब हम लिख देंगे कि हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, मोल बराबर, सॉरी मोल, मोलरता, मोलरता इक्वल टू होता है विलय
मोल विलय के मोल, विलय के मोल लिखें या विलय की मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है जी, विलयन का आयतन। और आप जानते हैं लीटर में विलयन का आयतन पूछा जाता है, ठीक है, इतना आप समझ गए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक मान भी दिया है कि K का मान 39 और Cl का मान इतना होता है। ये क्या है, द्रव्यमान दिया है, पोटेशियम का मान 39 होता है और क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 35.5 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें मोलरता ज्ञात करना है। अब विलय के मोल क्या इसमें मान में कहीं लिखा गया है, प्रश्न में तो विलय का मोलों का मान नहीं दिया है, तो इसका हम ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, ये बात हमें पता है। तो भार बटे अणुभार होता है। तो अब देखिए मोल, अब ये भार बटे अणुभार किसका होगा, विलय का भार बटे विलय का अणुभार होगा, क्योंकि विलय का ही तो मोल यहाँ पे कहा जाना। तो विलय का भार कितना है, विलय का भार कहे या द्रव्यमान कहे वो कितना है 15, तो 15 हम लिख देंगे। अब विलय का आयतन, सॉरी विलय का अणुभार ज्ञात करना है, तो अणुभार क्या है, विलय क्या है, KCl है ना, तो KCl है, तो पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है, सॉरी 39, तो 39 हमने लिख दिया। और क्लोरीन का 35.5, तो 35.5। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो आप समझिए ये 0.5 तो पहले ही निकल जाएगा, 9 5 14 के 4 हो जाएगा, हासिल 1 और 3 2 6 1 7, मतलब 74 कितना आ गया 5 आ गया, तो ये हम लिख देंगे 74.5, ठीक है। तो अब देखिए ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला मोल का मान, ठीक है, ये हमें मोला क्या मिला, मोल का मान मिल गया, ठीक है। अब देखिए विलय के मोल का मान हमें मिल गया 15 बटे 74.5। अब विलयन का आयतन का मान कितना दिया है 1 लीटर, चलिए मान को हम रखते हैं, तो हम लिखते हैं मोलरता, मोलरता इज इक्वल टू विलय का मोल कितना दिया है इतना 15, आइए कितना है 74.5, ठीक है। नीचे विलयन का आयतन है 1 लीटर, तो 1 हम लिख देंगे, कुछ नहीं नीचे तो हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये चला जाएगा ऊपर गुणा कराएगा, ये चला जाएगा तो इसमें गुणा कराएगा, कराएगा ना। तो अब देखिए ये अगर गुणा कराता है तो मोलरता, मोलरता इसकल टू 15 में अगर 1 का गुणा हो तो वो 15 ही हो जाएगा, ठीक है, और इसका 1 में गुणा हो तो 74.5 ही हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो ये 74.5 ही हुआ। अब सिंपल में हम क्या करेंगे कि आप इसका इसमें इधर भी 10 का गुणा करा दीजिए और नीचे भी 10 का गुणा करा दीजिए। जब ऐसा आप करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा मोलरता इजकल टू, मोलरता इजकल टू ये 15 × 10 हो जाएगा तो 150 हो जाएगा, और अगर इसमें हम गुणा कराते हैं तो 745 हो जाएगा, 0.5 हट जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप सिंपल में देखिए, या तो आप अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको नंबर 1 भी कटेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, नंबर आपको फुल मिलेगा। इसका मात्रा का आप लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, ठीक है, परंतु आपको इसको थोड़ा सा भाग देकर आप लिखते हैं। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका मान अगर ज्ञात करना हो और दशमलव में अगर ये मान ना दिया हो, दशमलव में दिया हो, तो आपको भाग करना ही होगा। तो भाग आप करेंगे 745 में आप 150 का भाग कर देंगे, जो आएगा वो आप लिख लेंगे, समझ पा रहे हैं। अगर आप भाग करते हैं ना तो आपको दशमलव में ही आएगा, ठीक है। पंद्रह पचहत्तर 1.5 लगभग ये आपका आ जाएगा, देखिए लगभग ये आपका जानते हैं कितना आएगा 0.20 ऐसा ही आएगा, आपका लगभग आपका आंसर आएगा 0.2, ठीक है। क्यों, देखिए ये 75 अगर हम मैं यहीं पे गणना करूँ, ये 15 है और ये 74.5 है, तो लगभग ये कितना है 75 मान लेते हैं, तो 15 एकम में 15 और 15 75,
तो 1/5 आया। अगर 5 में आप 1 का गुणा करते हैं, 1 का भाग देते हैं, तो 0.2 आएगा ना। तो ये लगभग में मैं कह सकता हूँ कि 0.2 आ जाए, या आप कह सकते हैं 0.19 आ जाए, ठीक है। तो यही आपका मान आएगा। तो आप या तो यहाँ तक छोड़ दें, या भाग करके देख लीजिएगा कितना आता है। और एक काम भी कर दीजिएगा, अच्छी बात है कि आप भाग देकर आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो, यदि कुछ सहयोग मिला हो, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी जो आपके फ्रेंड्स हैं, कम से कम 5 अपने दोस्तों के पास हमारे इस चैनल के बारे में बताइएगा। उनसे कहिएगा कि इस चैनल से आप भी पढ़ाई कीजिए। और आप भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी और अंग्रेजी सभी लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया है, जो भी आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम संबंधित, वही सब आपको पढ़ाया गया है। तो आप चाहें तो उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।